I'm Janvi. My name is Avinash Deshmukh. Hello friends, myself Anurag Agrawal. Karna hai khas, to chalo hamare saath. Karna hai khas, to chalo hamare saath. Civil ke baad, Guru ji ke saath. मैं कर रही हूँ सिविल गुरुजी के ऑनलाइन मॉड्यूल से स्टडी. एक्चुअली दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स और मैं भी इससे ही कर रही हूँ. एक्चुअली जैसे मैं अभी लॉकडाउन में फंसी हुई हूँ और मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, अभी इससे मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है. मैं 2019 पास आउट हूँ, मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का हूँ. उसके बाद मैंने सिविल गुरुजी ज्वाइन किया. सिविल गुरुजी ज्वाइन करने के बाद हमने वो सब सीखा, सॉफ्टवेयर सीखे, और उसके बाद हमने BBS, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, ये सभी सीखा जो हमें हर कदम में काम आने वाले हैं. मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का हूँ. मैं लास्ट ईयर 2019 पास आउट हूँ. तो मैं कॉलेज से निकलने के बाद वापस अपने होम टाउन आया रायपुर. यहाँ मैं अपना एक साइट में ज्वाइन हुआ एज अ साइट इंजीनियर. तो जब मैं साइट में जा रहा था, तो अब क्या है कि जब आप कॉलेज से निकलने के बाद क्या होता है कि थ्योरी नॉलेज रहता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं रहता. तो जब आप साइट में जाते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती जो आप पढ़े हो, उससे मतलब बहुत अलग होता है साइट में काम. और वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं, अगर आप उनसे पूछना भी चाहो तो आपको एकदम पूरी तरह नहीं बताएंगे वो जल्दी से. आपको पूरी फुल फोर्स करना पड़ता है कि सर आप ये बताइए, आप वो बताइए. अब कॉलेज से निकलने के बाद हमको आइडिया इतना नहीं रहता कि हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछ पाते. तो मेरा यही था कि मैं मतलब नहीं हो पा रहा था मेरे से, मतलब साइड में मैं काम तो कर रहा था बट ना मन लग रहा था ना फिर मतलब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से कि हाँ मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ. फिर वहीं साइट में क्या हुआ, वहाँ पर मेरे को एक सर आया, वहाँ पर उन्होंने मेरे को ऑनलाइन सिविल गुरुजी के बारे में बताया, क्योंकि उनका जो बेटा था वो भी सिविल इंजीनियर था. तो वो ऑनलाइन जो सिविल गुरुजी का जो साइट्स था, वो जो वीडियोस थे, वो देख रहा था वो. तो मेरे को बताया कि भाई तू भी ले ले. तो मैं जब गया ऑनलाइन सिविल गुरुजी के साइट में, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हाँ क्या क्या काम होता है साइट्स में, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है. लाइक हमको मतलब वो साइट में जो सिविल गुरुजी के अंदर आपको एस्टिमेशन सिखाया गया सबसे पहले, जो कि सबसे बेसिक होता है. तो एस्टिमेशन सीखने को मिला. एस्टिमेशन जब हम लोग सीखे, तो जब वो मैं जब ऑनलाइन वीडियोस देखता था, क्योंकि मैं साइट में तो जाता ही रहता था और घर बैठ के ऑनलाइन वीडियोस भी देखता था. तो ऑनलाइन वीडियोस में क्या होता था कि वो सर लोग हमको प्रैक्टिकली वहाँ फील्ड में ले जा के वीडियोस को बनाते थे और पूरा मतलब प्रैक्टिकली आपको विजुअलाइज कराते थे हर चीज़ को. तो वो उससे क्या हुआ कि मेरे को इंटरेस्ट और जागा और सीखने को मिला, क्योंकि मैं ऑनलाइन वीडियोस देख ही रहा था, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से हो ही रहा था, प्लस मैं इधर साइट में भी जा रहा था. तो उससे क्या हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. मुझे और लगा कि भैया हाँ इसमें जो और भी जो कंटेंट्स है, चीज़ें हैं, लाइक बिलिंग हो गया, BBS निकालना हो गया, फिर ऑटोकैड में वास्तु के हिसाब से ड्राइंग हो गई, 3D मॉडलिंग हो गई. फिर अब जैसे मैं साइट में था तो वहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, तो वो जो MSP चलाते थे, तो यहाँ पर मेरे को MSP भी सीखने को मिला, MS प्रोजेक्ट. तो क्या हुआ कि शेड्यूलिंग पूरा सर लोग मतलब पूरा एक डिटेल में बताते थे, जो कि वहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो तक नहीं बता पाते थे. तो उससे क्या हुआ कि प्रैक्टिकली आपको नॉलेज भी मिलने लगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो गया. आज के डेट में ऑनलाइन कोर्सेज भी आ चुकी है सिविल गुरुजी की, जो ज़्यादा बेनिफिट देती है. आप घर बैठे ही सारे चीज़ सीख सकते हो, सारे चीज़ घर में ही बना सकते हो, सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, बाकी हर चीज़ें सीख सकते हो जो सिविल गुरुजी दे रहा है. सिविल इंजीनियर्स को जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें ऑनलाइन लेक्चर्स में हैं. और जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हमको ऑनलाइन कोर्सेज में दिखेंगे, वो सारे टीचर्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं हर चीज़ को, मानो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप क्लास में बैठे हुए हैं. और जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, जो भी क्वेरीज आ रही है, उसके लिए सिविल गुरुजी एक ऑनलाइन डाउट सेशंस रख रहा है. उससे मेरी सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो रही है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके और बेनिफिशियल है एक्चुअली अपने लिए. मतलब अब ऐसा था कि देखो, अब मैं एक साल में को पूरा कंप्लीट हो चुका है. अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद, उसके पहले मेरा एक्सपीरियंस था समझ लो 2 या 3 महीने का कॉलेज से निकलने के बाद, जो कि 0 एक्सपीरियंस के बराबर है. बट ऑनलाइन सिविल गुरुजी की जो चीज़ें, उसमें जो कंटेंट्स है, चीज़ें मेरे को देखने को मिली, उसके अब मैं बोल सकता हूँ कि लाइक मेरे को 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है. और ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सिविल फील्ड में, कि आपको एक साल के अंदर अंदर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम हो चुका है. तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो उसको, चीज़ों को लेते हो और कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो. थैंक यू सिविल गुरुजी, वहाँ के जितने भी टीचर्स जो कि बहुत अच्छे से हमको पढ़ाते थे. सर लोग से कभी भी कॉल में बात कर लो, कुछ भी डाउट हुआ
डाउट सेशंस होते थे, अगर डाउट सेशन में आप नहीं हो पाए तदुपर सर से डायरेक्ट कॉल में बात कर लो या उनको मेल कर दो, तो आपको इजीली मतलब चीज़ें पूरी क्लियर कर देते थे जल्द से जल्द। तो इसलिए थैंक यू, आपने कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया और अब मैं अच्छे से अब इस फील्ड में आ चुका हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। अगर आपको आगे बढ़ना है, नई नई चीज़ें सीखना है, सिविल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना है, तो मन में है विश्वास करना है कुछ खास, तो चलिए सिविल गुरुजी के साथ।